इस्लामिक क्लास कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है असेंबलर। हमें देखना है बेसिकली असेंबलर क्या होता है। असेंबलर जो है हमारे पास कन्वर्टर है जो ट्रांसलेट करता है हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेजेस पे। हमने ट्रांसलेटर्स पढ़े थे, तीन तरह के ट्रांसलेटर्स पढ़े थे हमने। एक पढ़ा था हमने कंपाइलर, सेकंड पढ़ा था इंटरप्रेटर और थर्ड पढ़ने लगे हैं असेंबलर। ये हमारे पास तीन तरह के जो थे ट्रांसलेटर्स थे जो कन्वर्ट करते थे हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेजेस यानी मशीन लैंग्वेजेस में। तो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर हमने कर दिया। आज हम पढ़ेंगे असेंबलर। असेंबलर क्या होता है? असेंबलर बेसिकली जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करता है, जो हमारी सोर्स कोड यानी असेंबली लैंग्वेज है उसे कन्वर्ट करता है असेंबलर मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट कोड, इसे हम ऑब्जेक्ट कोड भी कह सकते हैं, मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ये कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। और मशीन लैंग्वेज आपको पता है कि कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है और ये ह्यूमन नॉन रीडेबल जो मशीन कोड है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है इसे। जैसे कि जो असेंबलर है कंप्यूटर जो है हमारे पास बेसिकली वो हमारी लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। वो कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? बाइनरी लैंग्वेज यानी बाइनरी डिजिट्स को कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड करता है, जैसे 0100001। तो ये क्या है? ये मशीन लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। अब देखते हैं कि असेंबलर क्या है। व्हाट इज एन असेंबलर? एन असेंबलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड। यानी असेंबलर क्या करता है? असेंबलर एक प्रोग्राम है दैट ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज, जो ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज कोड को इनटू मशीन कोड। यानी जो असेंबली लैंग्वेज कोड हम इधर देखेंगे उसे असेंबलर ट्रांसलेट कर देगा मशीन कोड में और एग्जीक्यूटेबल कोड यानी एग्जीक्यूटेबल कोड में। असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेस निमोनिक्स टू रिप्रेजेंट द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर सीपीयू आर्किटेक्चर। जो असेंबली लैंग्वेज है वो क्या है हमारे पास? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यूज करती है, क्या यूज करती है? निमोनिक्स को, निमोनिक्स फॉर्म को यूज करती है टू रिप्रेजेंट द इंस्ट्रक्शंस, अपनी इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए सीपीयू के आर्किटेक्चर में। यानी जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है निमोनिक्स को रिप्रेजेंट करती है। निमोनिक्स क्या है हम देख लेते हैं। जैसे हमने टू डिजिट्स को ऐड करवाना हो, 9+2 हमने ऐड करवाना हो, तो कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर तो बाइनरी फॉर्म से कन्वर्ट कर देगा ना, 10001। ये हमारी क्या हो जाएगी? ये 9 की स्टेटमेंट हो जाएगी और प्लस का ये साइन हो जाएगा और ये हमारे पास 2 की फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल ये था। लेकिन कंप्यूटर तो इसीलिए अंडरस्टैंड कर सकेगा, लेकिन ह्यूमन के लिए ये नॉन पॉसिबल है इतनी लंबी स्टेटमेंट को याद करना बाइनरी फॉर्म को। तो कुछ जो इंटेलिजेंट यूजर्स हैं उन्होंने क्या किया था कि निमोनिक्स को रिप्रेजेंट करवाया कि यूजर जो है जो ह्यूमन पर्सन है वो इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके। जैसे इसी स्टेटमेंट को हमने निमोनिक्स में करना हो तो कैसे करेंगे? प्लस की जगह प्लस का जो फंक्शन है वहाँ पर हम ऐड करवा देंगे, यानी ऐड का फंक्शन लिख देंगे। ऐड के फंक्शन में आर को जो 9 है हम उसको R1 के इक्वल कर देंगे और 2 को R2 के, यानी जो R1 की वैल्यू जो 9 है R2 की वैल्यू जो 2 है वो क्या कर रही है? ऐड हो रही है, प्लस का साइन ऐड करने के लिए ना, तो ये ऐड कर देगा और ये हमारी कौन सी फॉर्म बन जाएगी? निमोनिक्स फॉर्म। और ये यूजर को भी इजीली अंडरस्टैंड जो है वो कर सकता है, यूजर भी समझ सकता है अच्छा ये ऐड हो रहा है, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन? R1 में 9 की वैल्यू और R2 में 2 की वैल्यू ऐड करके ये फंक्शन ऐड किया जा रहा है। तो बेसिकली ये असेंबली लैंग्वेज यानी जो निमोनिक्स थे इसलिए रिप्रेजेंट किए गए कि ह्यूमन इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो आज हमने देखा कि असेंबलर क्या है, असेंबलर ट्रांसलेट करता है हमारी असेंबली लैंग्वेज को
समझा ट्रांसलेट करता है मशीन कोड यानी मशीन लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट कोड में, और जो यूजर्स हैं जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको यूज करते हैं, निमोनिक्स को यूज करते हुए अपने इंस्ट्रक्शन को प्रेजेंट करते हैं। तो ये था हमारा समझा।